अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो ये तीन बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात, स्टॉक बाय करते टाइम हमेशा एक बात ध्यान में रखिए। स्टॉक के बड़े टाइम फ्रेम में मतलब वन डे चार्ट या वीक डे चार्ट टाइम फ्रेम पर स्टॉक का प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब स्टॉक का दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपका लॉस कभी नहीं होगा। दूसरी बात, स्टॉक बाय करते टाइम हमेशा दूसरी बात ध्यान में रखिए। स्टॉक के बड़े टाइम फ्रेम में मतलब वन डे चार्ट या वीक डे चार्ट टाइम फ्रेम पर स्टॉक का प्राइस हमेशा नीचे की तरफ जा रही होगी, जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, मतलब स्टॉक की दिशा हमेशा नीचे की तरफ हो, तो ऐसे स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर ऐसे स्टॉक आप बाय करते हो तो आपका लॉस सुनिश्चित है। तीसरी बात, स्टॉक को बाय करते टाइम हमेशा तीसरी बात ध्यान में रखिए। स्टॉक के बड़े टाइम फ्रेम में मतलब वन डे चार्ट या वीक डे चार्ट टाइम फ्रेम पर स्टॉक का प्राइस पहले नीचे की तरफ जा रही थी, मगर जब स्टॉक की प्राइस नीचे बेस बनाकर तथा कंप्लीट आधा राउंड बनाकर वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, ऐसे स्टॉक में हमें अच्छे प्राइस पर और कम रिस्क पर बाइंग करने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क कम रहेगा मगर प्रॉफिट डबल से ज्यादा मिलेगा। ये है तीन जरूरी बातें, मगर आखिरी सबसे ज्यादा जरूरी बात भी ध्यान में रखिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।